हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋषांग देवदिगा के बारे में। वो पहले क्या थे और अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो उनकी बात की जाए तो इंडियन कबड्डी एथलीट ऋषांग देवदिगा कभी होटल में टेबल साफ किया करते थे और आज कबड्डी ने उनकी सारी जिंदगी बदल दी है। अब वो कबड्डी के स्टार प्लेयर है। प्रो कबड्डी लीग में वो टीम यूपी योद्धा की ओर से खेल रहे हैं। ऋषांग इन दिनों रांची में है। यहाँ 16 सितंबर को पटना के खिलाफ वो खेलेंगे। ऋषांग 2011 से प्रो कबड्डी लीग खेल रहे हैं। ऋषांग कर्नाटक में पैदा हुए थे। जीवन यापन के लिए उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। जीवन की शुरुआत दिनों में वे मुंबई के अंधेरी स्थित होटल में टेबल साफ किया करते थे। उसी पैसे से उनका परिवार का गुजरान चलता था। आज ऋषांग के स्वागत में बड़े बड़े होटल में टेबल सजाए जाते हैं। कबड्डी ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है। ऋषांग बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही कबड्डी खेलने का शौक़ था, लेकिन परिवार की माली हालत और जिम्मेदारियों के कारण वो कबड्डी नहीं खेल पाते थे। कम उम्र में उन्हें होटल में काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्हें कबड्डी खेलने के लिए होटल का काम छोड़ दिया। किस्मत और मेहनत ने साथ दिया और उनका चयन स्टेडियम टीम में हो गया। उसके बाद इंडियन कैप के लिए वो सिलेक्ट हुए और फिर नेशनल टीम में आ गए। इस सीज़न के लिए ऋषांग को यूपी फ्रेंचाइजी ने 45 लाख रुपए में खरीद लिया। रांची के खेलगांव स्थित हरीश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में प्रो कबड्डी खेल खेला जा रहा है। यहाँ प्रो कबड्डी लीग का 5वां एडिशन है। रांची में 15 से 31 सितंबर के बीच ये मैच खेला जाएगा। हर दिन 2 मैच होगा। लीग में कुल 12 मैच होंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि ऋषांग देवदिगा क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेके आई। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेरी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, या मेरे चैनल को नए ऐसे वीडियो देखने हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।